सभोपदेशक अध्याय एक सभोपदेशक अध्याय एक यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और उसके उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती आती है, वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बन जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकते हैं कि देख यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी, प्राचीन लोगों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाले लोगों का कुछ भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का राजा था और मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जितनी वस्तुओं में घटी है वे गिनी नहीं जाती। मैंने मन में कहा कि देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिला है, और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद खोलूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। परंतु मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है।